हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज जो फ़ोन फोटोग्राफी का ही सेशन जो चल रहा है, तो इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, इसमें हम अपने कैमरे की सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो कैमरे के हमें सेटिंग्स को किस तरीके से, कोई वीडियो अगर हमने बनानी है, कोई फ़ोटो क्लिक करनी है, और उसके पहले ही मतलब नॉर्मल हमारे रूटीन में कैमरे की सेटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो हर बंदे के पास में अलग अलग फ़ोन्स हैं, अलग अलग कंपनीज़ के फ़ोन हैं, और हर एक कंपनीज़ के सेटिंग्स जो हैं वो के उसके जो पैरामीटर अलग अलग दिए होते हैं, और उसका जो कह सकते हैं इंटरफेस भी हर कंपनी के मोबाइल्स का अलग सेटिंग का है। पर एक जैसे मैं अब वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वन प्लस के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। और लगभग जो सेटिंग्स होती हैं वो सभी फ़ोनों में एक तरह की सेटिंग्स जो होती हैं, कुछ में कुछ अलग से होती है, पर नाम जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो अगर आप बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेटिंग्स कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट, अब ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, मैं डायरेक्ट इसके स्क्रीन पे आता हूँ, और उसके बाद आपको मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ इसको किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग्स को देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, और नॉर्मली जो कैमरा, तो हमारे पास कईयों के कैमरा जो है सामने कैमरे के अंदर ही एक्चुअली कैमरे की सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हमने होम स्क्रीन पर जाके उसको डायरेक्ट कैमरा हमने ओपन करेंगे। तो आपने देखा कैमरा ऑन हो गया है। तो इसके बाद में अब फर्दर जो इसकी आपको मैं सेटिंग्स बताऊँ किस तरीके से करनी है। तो आप देखोगे कि इस तरीके से जो कैमरा आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ऊपर जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे हर एक फ़ोन के अलग अलग इस तरीके से होंगे, पर यहाँ सेटिंग्स जो सबसे नीचे बॉटम में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सेटिंग्स दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सामने जो स्क्रीन के ऊपर में जो टाइमर एक स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जो टाइमर दिख रहा है, तो टाइमर जो है अभी यहाँ पे मैंने टाइमर को ऑफ किया हुआ है। तो 3 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का, आपने जैसे ग्रुप में कई बार फोटो खींचनी होती है, या दूर हमने ट्राईपॉड पे रख के हमने फोटो खींचनी होती है, वहाँ पे काम आता है। एस्पेक्ट रेशियो जो है, वही स्क्रीन की बात कर रहा हूँ कि 1:1 में, 4:3 में, 16:9 में आपने शूट करना है, तो उसके लिए आपका एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे होगा। और अगर फुल स्क्रीन में आपने करना चाहता है तो फुल का मोड ले सकते हो। तो मैं सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ कि सेटिंग्स में हमने जाके कैसे करना है सेटिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेटिंग्स में सबसे पहला जो यहाँ पे जनरल के नीचे वाटर मार्क लिखा हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, वाटर मार्क बेसिकली क्या है, अगर इसको ऑन करते हैं तो आपने कई फ़ोन्स में देखा होगा कि जो फोटो क्लिक होती है तो वहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, या कईयों में लोकेशन आ जाती है किस जगह पे खींची हुई है, तो वो एक मार्क सा वहाँ पे शो करता है। पर मैं जनरली उसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो वो आपकी चॉइस है। आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अदरवाइज आपकी चॉइस है। तो उसको मैं ऑफ करके रखता हूँ, आपने ऑन करना आपकी इच्छा है, ठीक है। तो वाटर मार्क का मतलब ये है कि फ़ोटो के नीचे जो उसके कंपनी का नाम और फ़ोन का नाम वगैरह आ जाता है इस तरीके से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसका सेकंड में ग्रिड एंड गाइड से है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसको तो मैं बहुत मतलब फॉलो करता हूँ मैं। आपने देखा होगा अभी मेरा कैमरा ऑन हुआ था, तो ये ऑलरेडी सेटिंग्स इसकी ऑन थी यहाँ पे। तो ग्रिड एंड गाइड्स बेसिकली क्या है कि आप देखोगे कि कैमरा में आपको बैक करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके जो आपको लाइंस दिख रही है, रेक्टेंगुलर लाइंस जो वर्टिकल्स में और हॉरिजॉन्टल में दिख रही है आपको लाइन, तो ये लाइंस का कह सकते हो इस तरीके से अगर आप शूट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये ग्रिड्स एंड गाइड्स आपको थोड़ा सा शो करता है कि आपको सब्जेक्ट को किस तरीके से सेंटर प्लेस में रखना है, या कितना हिस्सा आपने किस तरीके से मेंटेन करना है, बाकी चीज़ों को आपने किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो ये वहाँ पे आपको एक तरह के गाइडेंस मिलती है यहाँ पे। तो ये आपको जब भी आपको शूट कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके साथ ही फिर मैं जाता हूँ वापस वहाँ पे सेटिंग्स में जाके, आपको बता रहा था मैं कि ग्रिड एंड गाइड्स के बाद में एक लेवल का आता है, तो लेवल भी मैंने ऑलरेडी देखिए ऑन किया हुआ है, तो लेवल्स का भी आपको बैक कैमरे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखो सेंटर में आपको एक लाइन जो वाइट होके फिर बाद में ब्लू दिख रही है, का वाइट हो रही है, तो यानी ये लेवल दिखाती है कैमरा आपका बिल्कुल आपने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है। और इस तरीके से आपको शूट करने में बेसिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आपका तो हाथ हिलता रहता है, और आपने कई तरीके से हर एंगल से आपने लेनी होती है फ़ोटो, तो वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रूल करता है। पर कई बार आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और आपने उसकी प्रॉपर शूट करना है, तो वहाँ पे आपको ये लेवल काफ़ी काम आता है। तो ये लेवल को भी हम ऑन करके रख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। तो बाकी मैं दोबारा फिर सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में, हाँ, उसके बाद जो है बात कर रहा था मैं शटर साउंड की। तो शटर साउंड जब भी हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो उसकी आवाज़ आती है तो काफ़ी प्यारी लगती है, तो वो तो ऑन करके मैं ही रखता हूँ, बाकी आप लोग भी मोस्टली मैं ऑन करके रखते होंगे इसको, तो ये आपकी चॉइस है, इसको ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है, तो इसकी इस तरीके से करते हैं। उसके बाद ये उसके नीचे का आप देखोगे कि फ्लिप सेल्फी लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक कह सकता हूँ कि इसके अंदर में सेटिंग है, और नॉर्मली फ़ोनों में हर एक फ़ोन में होगी, या कईयों में नहीं भी हो सकती है, कईयों में एडवांस फ़ोन जितने आ रहे सब में ये ऑप्शन है। तो ये इसके नीचे देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, फ्लिप सेल्फी के, सेव सेल्फीज़ एज दे अपेयर इन द व्यू फाइंडर, यानी
जब भी हम कोई फ्रंट कैमरे से चीज़ें शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, आपको हमेशा कईयों के आपने वीडियोस में देखे होंगे कि जब सेल्फी कैम फ्रंट कैमरे से कोई शूट कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ कोई इस तरह की चीज़ आप कई बार पढ़ते हो या आपने बैकग्राउंड में देखा होगा कोई शॉप्स वगैरह के नाम आपको दिख रहे होंगे या कुछ तरह की वर्डिंग होती है तो आपको वहाँ पर उल्टी दिखती है वो चीज़। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन का मतलब यही कि आप सेव सेल्फीज एज दे पर इन द व्यू फाइंडर, के व्यू फाइंडर में आपको जो दिख रहा है आपको उसको एज इट इज़ ही सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो मैं इसको हमेशा मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ, सॉरी, यानी अगर इसको ऑन कर दोगे तो ये आपका उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से ये ऑन रहेगा, पर इसको मैं ऑफ करके रखा हुआ है मैंने। अगर इसको ऑफ करके रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें फ्लिप हो जाएंगी, यानी जो उल्टा दिख रहा है वो आपको सीधा दिखना स्टार्ट होगा। तो एक मतलब जो एक अच्छा लगता है, अगर आप इस तरीके से शूट कर रहे हो और चीज़ें आपको पीछे उल्टी दिख रही हैं तो वो जो आगे जो व्यूवर्स आपके देख रहा होता है उसको भी थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आता, पर अगर वो सीधी दिख रही है तो थोड़ा सा उसको मतलब हर एक बंदे को लगता है कि यार इस तरीके के क्या टेक्निक यूज़ की है, कि नॉर्मली जो है हर बंदे को नहीं पता हो इस चीज़ के बारे में, और कई कैमरों में ये सेटिंग है नहीं। तो ये भी काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप अगला है लोकेशन, आपकी मर्जी, आप लोकेशन को ऑन करना चाहते हो ऑफ करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। इसके लिए ज़्यादा मतलब फोटोज़ के वीडियो के बारे में लोकेशन आपके शो करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, और जो उसकी डिटेल्स आती है वहाँ पे जो फाइल्स डिटेल होगी वहाँ पे आपको उसकी लोकेशन शो करेगा। तो ये नहीं इतनी इतनी ज़्यादा डिटेल बात करने की जरूरत नहीं इस पॉइंट के ऊपर में। अब इसके बाद आ गया शूटिंग मोड, ये देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये शूटिंग मोड में टैप टू कैप्चर ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं मान लिया ऑन कर देता हूँ और इसके नीचे वाले के शो फॉर्म को भी मैं ऑन कर देता हूँ तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से एक वर्क करती है। तो टैप टू कैप्चर का मतलब है कि आपने कोई भी फोटो मान ली यहाँ पर इस तरीके से आपने कैमरा आपने ऑन किया तो एक आप तो होता है कि ऑन क्लिक करते हो, आपने पर्टिकुलर बटन जो दिया वहाँ से आप उसको क्लिक करते हो, पर टैप टू कैप्चर में आप कहीं भी उसको क्लिक करोगे वहाँ से फोटो खींची जाएगी। देखिए आप कहीं से भी आप क्लिक कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर में तो फोटो खींच ली जा रही, तो ये टैप टू कैप्चर है, कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ये फोटो क्लिक हो जाएगी। तो ये मैं तो वैसे इन चीज़ों को ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि जब कैमरा खींचना हो तो उसमें तो प्रॉपर प्रेस करने की जगह बनी हुई है तो वहाँ पे बंदा प्रेस करके फोटो खींच लेता है। तो ये है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था जो नेक्स्ट सेटिंग आपको मैंने बताया था, ये दिस वन शो पाम, ये था, यस, यहाँ पे शूटिंग मोड, शो पाम टू फ्रंट कैमरा टू टेक ए सेल्फी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई बार आपने मान लीजिए कोई स्टिक रखी हुई है अपने अपने पास में और उस तरीके से आप अगर आपने सेल्फी ले रहे हो तो एक बार हम इस तरीके से सेल्फी की इस तरह करके ऑन करके रखते हैं और यहाँ पे देखिए अगर आपको मान लीजिए दूर आपने कैमरा किया हुआ है और आपका वहाँ पे हाथ नहीं जा सकता है तो आप और कोई थर्ड पर्सन भी आपके फ़ोटो खींचने वाला नहीं है तो वहाँ पर आप इसका काम कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखिए जैसे पाम दिखाया तो टाइमर उसका स्टार्ट हो गया 3 सेकंड में, ये देखिए फिर दोबारा किए तो ये 3, 2, 1 करके फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये वाली चीज़ जो है ये शो पाम टू, तो इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद क्या जो मैं नेक्स्ट आपको उसके साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, तो ये पीछे से कुछ आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई, एक्चुअली बाहर हॉकर घूम रहे हैं। तो यस, उसके बाद एक तो पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन है, रिमूव एज डिस्टॉर्शन वाइल टेकिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल। तो ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ऑफ करना ऑन करना आपकी इच्छा है, उसको कर सकते हैं तो उसका कोई वो नहीं है, ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको ऑफ ऑन कर देगा ऑफ कर देगा कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। AI अल्ट्रा क्लियर मोड है, ये कैप्चर अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट्स अगर आप कर रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ़ोन का वो अपने आप इसको ज़्यादा क्लियर कर देता है तो उसको भी आप ऑन करके रख सकते हो, तो अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद वीडियो के लिए जो चीज़ें आ गई वो है फोकस लॉक, तो टैप, इसका डिस्क्रिप्शन जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, टैप टू फोकस ऑन ए सब्जेक्ट, टैप टू लॉक फोकस ऑन ए सब्जेक्ट, फोकस विद ऑटोमेटिकली मूव विथ द सब्जेक्ट, यानी इसको हम और करके रखेंगे तो ये जो भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपने वहाँ कर वहाँ पे फोकस, अगर आप मान लीजिए इस तरीके से देखो आपने कैमरा जब ऑन किया तो ये देखिए आपको एक चारों तरफ आपको एक आउटर लाइन से दिख रही है, यानी वो सब्जेक्ट को वो फोकस कर रहा है वो कैमरा। तो इसमें जो देने का मतलब ये कि अगर कहीं भी आप मान लीजिए रियर कैमरा में भी आकर यूज़ कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो फोकस करेगा, आपने सिंगल एक क्लिक कर दोगे उसको वहाँ पे इस तरीके से अगर आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे वो चीज़ जैसे मूव होगी, इधर उधर मूव भी होगी तो वो उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखेगा और फोकस मतलब इधर उधर जाएगी नहीं। मतलब कई बार होता है कि आप देखोगे कि फोटो जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो कई बार आगे पीछे हल्की हल्की धुंधलाहट सी आ जाती है तो वो क्या कि फोकसिंग करने में वो टाइम ले रहता है, पर यहाँ पर वो इसकी इंपॉर्टेंस जो है इस तरीके से है। और उसके बाद का जो था मैं आपको बता रहा था हाई एफिशिएंसी वीडियो, यहाँ पे लिख रहा है कि रिकॉर्ड वीडियोस इन हाई एफिशिएंसी वीडियो कोड फॉर्मेट टू सेव स्पेस, तो ये उसकी स्पेस को कम करने के लिए उसकी कुछ फाइल टाइप को चेंज करता है
और यू मे नॉट बी एबल टू प्ले एच एस इन सम एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और शेयर। तो ये है कि ये इस तरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपने शेयर करना होता है, अगर आगे उनके पास में फाइल नहीं खुल रही है तो दिक्कत वाली बात है। तो इस करके इसको इस तरह के करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको ऑफ ही रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ गया आगे वॉल्यूम बटन से, जो वॉल्यूम बटन से आप प्रेस करके फोटो क्लिक कर लोगे या, तो ये भी इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। क्विक लॉन्च डबल प्रेस आइदर वॉल्यूम बटन टू लॉन्च द कैमरा व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, ये कुछ शॉर्टकट्स की होते हैं कि अगर आपने मान लीजिए फ़ोन आपका स्क्रीन लॉक हो रखी हुई है, तो आपने इमीडिएटली मतलब फ़ोन को ऑन करना है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर बटन होना है। जैसे इसमें बताया हुआ है कि डबल प्रेस आप वॉल्यूम बटन को भी करोगे तो फ़ोन अपने आप ऑन हो जाएगा, यानी आपको अलग से लॉक स्क्रीन में, कई बार आपने पासवर्ड लगाया होता है या समथिंग फिंगर का किया हुआ या कोई नया उसमें पासवर्ड, मतलब अलग अलग तरीके जो पैटर्न्स वगैरह लगाए होते, तो इतनी अगर इमीडिएटली बंदे को मतलब कैमरा ऑन करना है उसने, तो वो डबल क्लिक करके वो कैमरा को डायरेक्ट ऑन कर सकता है। तो ये, और उसके बाद क्विक शेयर एंड एडिट का जो ऑप्शन है, ये इसमें यह है कि आप इमीडिएटली जब कोई फोटो क्लिक करोगे तो वो सामने फोटो उसी वक्त आ जाएगी, आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये भी आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑन करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑन करके रखो या ऑफ करके रखो। उसके बाद ये बड़ा अच्छी चीज़ है, ये शो डर्टी लेंस वार्निंग। तो ये है कि जो फ़ोन्स होते हैं तो काफ़ी जो है कि इसकी संभाल तो हम रखते हैं, पर कई बार हम जैसे पॉकेट्स में रख रहे हैं या हमारे हाथ लग रहे हैं या कहीं भी अभी हम वैसे रख देते हैं या कई बार डस्ट पड़ रही होती है, तो हमारे जो लेंसेस हैं ये काफ़ी, देखिए ये बैक पे लेंस है, फ्रंट पे लेंस है, तो हमारे कई बार ऐसे फिंगर भी लग जाती है, तो इस वजह से भी वहाँ पे भी फिंगर्स के प्रिंट्स आ जाते हैं या लेंस गंदे हो जाते हैं, तो हमें कई बार ध्यान नहीं होता। अदरवाइज वैसे जब भी आपने कोई शूट करना है या कोई फोटो क्लिक करनी है तो जो है तरीके से, तो आपको जो है कि सिंपल आपका कॉटन का रुमाल होता है, जो बिल्कुल इस तरह का कोई अलग मतलब कॉटन का ही अगर आप रहोगे, या फिर जो नॉर्मल जो क्लीन लेंस क्लीनिंग के लिए जो जाते हैं जैसे चश्मे वगैरह साफ करते हैं उसके लिए भी जो क्लॉथ आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये कॉटन का रुमाल भी आप सिंपली साफ रुमाल आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से पॉक जब भी आपने कोई शूट करना है तो उसके पहले आप उसको क्लिक कर सकते हो। पर इसके अंदर में जो इन्होंने दिया हुआ है कि एक वार्निंग देता है ये कैमरा, तो जब भी अगर आपका डर्टी होगा लेंस तो ये अपने आप को वहाँ पे वार्निंग देगा कि आपका लेंस डर्टी है, इसको आप साफ़ करो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद है कि नीचे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट है, कि अगर आप सेटिंग्स को आप चाहते हो नहीं मैं इसमें कोई ज़्यादा इसमें मैं ज़्यादा सेटिंग्स का मुझे नहीं पता या मैं क्या मैंने बताया इस तरीके से क्या करना है, तो नहीं अगर नहीं पता तो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, या कई बार आपने सेटिंग कर रखी है आपको फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, आप कहते नहीं यार कुछ बात बन नहीं रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी आप रिस्टोर डिफॉल्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से जो ये जो पूरे जो कैमरे की सेटिंग्स है, इस तरीके से आप इसको अपने तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसके जो इतने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके अंदर में आप उसको उसका प्रॉपर जो कह सकता हूँ कि इसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसका एक इफेक्ट ला सकते हैं अपने फोटो के अंदर में, तो आपको उस हिसाब से आपके वीडियो के अंदर में भी ये जो उसके चीज़ें वो उसके रिजल्ट्स में दिखेगा वो चीज़, और कोई अगर आप फोटो वगैरह लोगे तो उसमें भी वो चीज़ें आपको देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो कैमरे की जो सेटिंग्स हैं, लगभग सारे फ़ोनों की सेटिंग जो नाम इस तरीके के मिलते जुलते होते हैं, और कुछ में जो एडवांस फ़ोन आ रहे हैं उनमें कुछ और जो चीज़ें एडवांस में जितने जितने उस हिसाब से कई चीज़ें सेटिंग्स में कई चीज़ें नहीं आ गई हैं। बाकी किसके अंदर में आप देखोगे कि स्क्रीन के ऊपर में जो है कि एक और ऊपर में आप देखोगे कि ऑटो फोकस का मतलब सॉरी फ्लैश के लिए आता है कि फ्लैश आप डायरेक्ट ऑन करके रखना चाहते हो या ऑटो मोड में कर सकते हो, फ्लैश ऑफ कर सकते हो। ये तो जनरल सी सेटिंग्स, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, HDR मोड दे दिया है और जो एस्पेक्ट रेशियो का ऊपर था। एक इसके अंदर में आप देखोगे नीचे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मोर में आप देखोगे काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें स्लो मोशन का एक अलग से उन्होंने दे दिया है। नाइट मोड में अगर आपने कोई फोटोग्राफी या शूट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्रो मोड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग मोड है इसका, इसके अंदर में अगर आप थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज आने वाले समय आपको, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस कैसे आपने रखना है, तो इन चीज़ों को आप एक मतलब ट्राई लेने के लिए आप इसके ऊपर में आप ट्राई ले सकते हो। हर एक जो ऑटो मोड में भी इसमें दिया हुआ है, और इसके अंदर में आप चाहोगे तो अपने हिसाब से जो सेटिंग्स इसकी चेंज कर सके भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इस तरीके से यूज़ है होगा इसका। और बाकी है कि इसके अलावा जो है मोर में कई चीज़ें हैं, टाइम लैप्स का ऑप्शन तो आपको ऊपर सामने आया था, ड्यूल वीडियो का एक इसके अंदर आया था ऑप्शन कि आप साथ के साथ ही मतलब इस तरह का इफेक्ट ले सकते हो आप, कि बैक रियर कैमरा भी ऑन हो गया और आपका फ्रंट कैमरा भी ऑन हो गया, तो ये दोनों का इस तरह का अगर आप कुछ कुछ ब्लॉग वगैरह करते हो या कुछ इस तरह का स्पेशल कुछ इफेक्ट लाना चाहते हैं तो बीच बीच में आप इसको इस तरह के अलग अलग चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करके इसका मतलब मज़ा ले सकते हो।
और बाकी ये कि इसके अंदर में फिल्म का मोड एक अच्छा, काफ़ी अच्छा मोड दिया हुआ है, तो बिल्कुल मतलब जो स्टेबलाइजेशन जो होती है फ़ोन की काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके अंदर में। तो फिल्म मोड में भी हम जो है कि आप दो दो देखोगे मोड, एक अल्ट्रा एंगल में हो जाता है शूट, और एक एक इसमें ना आप जूमिंग वगैरह नहीं कर सकते हो अपने आप मैनुअली। तो एक सिंपल जैसे फिल्म का फ्लो चलता है उस तरीके से आपने कैमरे को फ्लो करके एक अच्छा शूट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह के इसके अंदर में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, तो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो होप करता हूँ गाइज आपको ये जो सब्जेक्ट को मैं आज लेके बात कर रहा था तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और नए व्यूवर्स जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इस पर्टिकुलर फ़ोन फोटोग्राफी ट्यूटोरियल के ऊपर मैं जितना भी मैंने सीखा अभी तक, और मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ अभी, तो जितना भी मैं सीख रहा हूँ वो आगे आपको वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ आपको इन चीज़ों का अच्छा लगा होगा सुन के, और आपको समझ में कुछ नई चीज़ें आपको लगी होंगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप देखो, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इसके ऊपर में और आपकी जो है कह सकता हूँ कि क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर से एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो ओके, बाय गाइज, खुश रहें, आबाद रहें।